हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ हम इसके करेंगे एक्सप्लेनेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो एमसीक्यूज ऑन जीआई टैग, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसमें से कौन सा इंडियन फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था? आरनमुला कन्नड़ी, दार्जिलिंग टी, कैटरीना राइस या मधुबनी पेंटिंग्स। काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को दिया गया था वो कौन सा था। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो थी ये फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था। सो ये देख सकते हैं, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग 2004। इसको 2004 में जीआई टैग दिया गया। अब बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, इज अ नेम और साइन। एक नेम है और एक जहां इसको साइन बोल सकते हैं, जो कि यूज किया जाता है सर्टन प्रोडक्ट्स विच कॉरस्पोंडेंट्स टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। और रीजन, जैसे एग्जाम्पल हम किसी टोन के बारे में बात कर सकते हैं, रीजन के या कंट्री के, कोई एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, टोन, रीजन और कंट्री। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, एक नेम है जिसको साइन बोल सकते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग टिल नाउ। यानी कि अभी तक अगर हम बात करें 2021 तक कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। सो 370, 729, 500, 46, 421। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी तक 421 प्रोडक्ट को जीए टैग मिल चुका है। सो हाउ मेनी प्रोडक्ट गॉट जीए टैग टिल नाउ, 421, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पे 421 है, सो बात करेंगे जहां पे अब तक की डेट में अगर बात करें तो 421 प्रोडक्ट को जीआई टैग इशू हो चुका है। द जीआई टैग ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड इन, ये कहां पे जीआई टैग ऑफिस जो है ये कहां पे सिचुएटेड है। ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड इन, ये चेन्नई में सिचुएटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन एज पर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया था इज गिवन एज पर इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, न्यू डिजाइन एक्ट 2000, पैटेंट एक्ट 1970 या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन एज पर ये दिया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब बात करेंगे जीआई टैग इज गिवन एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ बूट्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये एक एक्ट है पार्लियामेंट का ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की प्रोटेक्शन के लिए, कहां पे इंडिया में। इट केम इन टू फोर्स, आया था एग्जिस्टेंस में, आया था 2003 में। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इशू जीआई टैग इन इंडिया। जीआई टैग इंडिया में कौन इशू करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो सबसे पहले जो रॉन्ग आंसर देख सकते हैं आप, कौन इशू करता है जीए टैग इंडिया में, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे कोई भी काम नहीं है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहां पे नहीं होगा। अब बचे आपके पास थर्ड थ्री ऑप्शन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एंड पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसको इशू करती है जीए टैग इंडिया में। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। सो दिस टैग इज गिवन बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये दिए था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहां पे टैग जो इशू किया जाता है, ये दिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से कौन सी चीज जो है करेक्टली मैच नहीं है, चखहू ब्लैक राइस ये मणिपुर, बांदर लड्डू आंध्र प्रदेश, अर्नामुला कन्नड़ी ये आंध्र प्रदेश, या बर्धमान सीताभोग वेस्ट बंगाल। इसमें से देखना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पे करेक्टली मैच नहीं है,
बाकी ये सभी, अगर चाखाओ ब्लैक राइस की बात करें ये मणिपुर में है, बंदर लड्डू ये आपका आंध्र प्रदेश में, और बर्धमान सीताभोग ये वेस्ट बंगाल में। थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है, सो राइट आंसर रहेगा थर्ड। सो सेकंड जी आई टैग इन इंडिया दिया गया था, जी दिया गया था अर्नामुला कन्नड़ी को, हैंडीक्राफ्ट विच इज द मेरिट मेड इन केरला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग जी आई टैग। अब जी आई टैग जिसको दिया जाता है उसके क्या बेनिफिट्स है। इट हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड रेट्स, या सेकंड लीगल प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट, या थर्ड प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ जी आई टैग गुड्स। इसमें से क्या बेनिफिट्स होता है जी आई टैग जिसको दिया जाता है। सो ये हेल्प करता है कंज्यूमर को टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स। ये अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड की, लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, ये भी राइट है, और प्रमोट करता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ जीए टैक्स गुड्स। सो देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जहां पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों सही है, जो राइट आंसर रहेगा डी रहेगा, यानी इसमें सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो जीए टैक्स जब मिलता है तो उसके सारा सबका बेनिफिट होता है। सो जी आई टैग प्रोडक्ट इंश्योर गुड क्वालिटी टू द कस्टमर, उसके बाद प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड्स आल्सो अर्न इनकम अर्न कर सकते हैं, और विद लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की, अब टाइम लिमिट क्या होती है जी आई टैग। एक जी आई टैग किसी ज्योग्राफिकल एरिया को अगर दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी प्रोडक्ट को मिला है, तो उसका टाइम लिमिट क्या रहती है, 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, या फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 इयर्स के लिए इसका टाइम पीरियड रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जी आई जो रजिस्टर्ड होता है वो इनिशियल पीरियड के लिए 10 साल की होता है, यानी कि 10 इयर्स के लिए, विच मस्ट बी रिन्यूड, इसको रिन्यूड किया जाता है आफ्टर 10 इयर्स। तो आप देख सकते हैं इसका इनिशियल पीरियड 10 ईयर, उसके बाद इसको रिन्यूड किया जाता है 10 ईयर्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये था आज का हमारा वीडियो जी आई टैग के बारे में। अगर आप चाहते हैं 2021 में जितने भी जी आई टैग इशू किए गए हैं सभी प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आप चाहते हैं इसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाओ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।